नमस्कार किसान साथियों साथियों, फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण को कैसे पहचाने और उनका समय पर प्रबंधन कैसे करें। साथियों, हमारी फसलों में सर्वांगीण विकास के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, जब इन पोषक तत्वों की कमी हमारे पौधों में होती हैं तो वह उनके लक्षण पत्तियों के जरिए हमें दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन पोषक तत्व की। साथियों, इस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधों की नई पत्तियों में देखने में मिलते हैं। इसकी कमी होने पर नई पत्तियों पर गुच्छों का रूप ले लेती हैं और डंठल, तना और फल फटने की समस्या देखने में मिलती हैं। साथियों, बोरॉन की कमी के लक्षण अधिकतर अपन अनार की फसल में देखने में मिलते हैं। साथियों, दूसरा पोषक तत्व है कैल्शियम। साथियों, इसकी कमी के लक्षण भी पौधे की नई पत्तियों पर देखने में मिलते हैं। इस पर नई पत्तियां पीली अथवा गहरी हो जाती हैं और पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। साथियों, तीसरा पोषक तत्व है सल्फर। इसमें साथियों, इसकी कमी के लक्षण भी नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों का रंग हल्का हरा या पीले पड़ने लगता है और दलहनी फसलों में सल्फर की कमी के कारण घाटे कम पड़ जाती हैं और तिलहनी फसलों में सल्फर की कमी के कारण तेल की मात्रा में कमी हो जाती हैं। चौथा पोषक तत्व है आयरन। साथियों, इसकी कमी के लक्षण भी नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी पर नई पत्तियां सिरों के बीच का भाग पीला हो जाता है और अधिक कमी होने पर पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। साथियों, पांचवा पोषक तत्व है मैंगनीज। इसकी कमी के लक्षण भी नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। साथियों, नई पत्तियों की सिराएं भूरी रंग की अथवा पत्तियां पीले से भूरे रंग की हो जाती हैं। साथियों, छठवा पोषक तत्व है कॉपर। साथियों, कॉपर की कमी के लक्षण के कारण पत्तियों की सिराओं की छोटी और मुड़ी हुई हो जाती हैं और हल्की हरी पीली हो जाती हैं। साथियों, अपन का सातवां पोषक तत्व है जिंक। साथियों, जिंक की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों पर हल्के धब्बे दिखाई देते हैं और सिराओं के दोनों ओर रंगहीन पट्टी इसकी कमी के लक्षण प्रकट करती हैं। साथियों, जिंक की कमी के लक्षण सर्वाधिक धान की फसल में और मक्का की फसल में देखने में मिलता है। साथियों, अपना आठवां पोषक तत्व है मॉलिब्डेनम। साथियों, इसमें पत्तियों के किनारे झुलसे हुए दिखाई देते हैं और मुड़ जाते हैं या फिर कोटिका का आकार या कटोरी का आकार का हो जाता है। साथियों, अपना नवा पोषक तत्व है मैग्नीशियम। साथियों, मैग्नीशियम हमारी पत्तियों को हरा भरा रखता है। इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। साथियों, इसमें पुरानी पत्तियों की नसें हरी रहती हैं लेकिन उनके बीज का स्थान पीला पड़ जाता है। पत्तियाँ छोटी और सख्त हो जाती हैं जिससे साथियों हमारी पैदावार में कमी हो जाती हैं। साथियों, अपना दसवां पोषक तत्व पोटेशियम होता है, यह मुख्य पोषक तत्व है। साथियों, इसमें इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में देखने मिलते हैं। इसमें साथियों पुरानी पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और पत्तियां बाद में भूरी झुलसी हुई दिखाई देती हैं। साथियों, पोटेशियम की कमी के लक्षण आपको आम की फसल में और अमरूद की फसल में देखने में ज़रूर मिल जाएंगे। साथियों, अपना ग्यारहवां पोषक तत्व फास्फोरस होता है। साथियों, इसकी कमी के लक्षण भी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी पर पत्तियों या तनों पर लाल या बैंगनी रंग हो जाता है और जड़ों के फैलाव में कमी आ जाती है। अर्थात साथियों, फास्फोरस की कमी होने पर हमारे पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है जिसके कारण पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। साथियों, अपना बारहवां पोषक तत्व है नाइट्रोजन। साथियों, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी के लक्षण पौधे के